क्या आपके साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ है या फिर आपको ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का डर सता रहा है? आखिरकार कैसे होता है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड और ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं? जी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आपको जानना जरूरी है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। दरअसल जब से ऑनलाइन बैंकिंग आई है तब से ही कई तरह के फ्रॉड की खबरें सामने गाहे बगाहे आती ही रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़ी सी जागरूकता आपका काम आसान कर सकती है? और अगर आपके साथ धोखा हुआ तो आप एक आसान नंबर पर फोन करके अपने पैसे वापस भी पा सकते हैं। जी, इतना ही नहीं, इस नंबर पर फोन करने का मतलब है कि तुरंत चोरों पर भी कार्रवाई का चाबुक चलेगा। आइए जानते हैं क्या है वो नंबर और कैसे करता है ये नंबर काम। दरअसल कुछ समय पहले सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और वो नंबर है 155260। जी, एक बार फिर से इस नंबर को नोट कर लीजिए, ये नंबर है 155260। दरअसल ये एक तरह से हेल्पलाइन वर्चुअल पुलिस स्टेशन की तरह काम करता है। लेकिन इस नंबर पर फोन करने से पहले एक बार जरूर ध्यान रखिएगा और वो ये कि फ्रॉड से संबंधित सभी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इस पर शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन को भी इस बारे में सूचना दे दी जाती है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जो बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजेक्शन करवा लिए जाते हैं कुछ लालच देकर, उस प्रकार की स्थिति में क्या करें, उसके लिए एक बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है। इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है, ये नंबर मैं आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूंगा, 155260। ये नंबर है 155260, फोन नंबर है ये 155260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए, कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए, उस रजिस्टर्ड नंबर से जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग में बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। यह आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए, किसी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। इस हेल्पलाइन नंबर की खासियत भी जान लीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री की निगरानी में लॉन्च किया गया था और गृह मंत्रालय की इस पर खुद नजर रहती है। हकीकत तो ये भी है कि जिनके साथ धोखाधड़ी हुई उनकी शिकायत के बाद कई लोगों के पैसे वापस भी मिल चुके हैं। शिकायत करने के कुछ ही घंटों के बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एक्नॉलेजमेंट नंबर का कॉल आता है जिसके सहारे आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आप वो फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ उस जानकारियां ली जाएंगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, बैंक खाता, कार्ड नंबर, वॉलेट जिसके जिसमें पैसे गए हैं, वॉलेट जिससे पैसे जिसमें पैसे जिससे कटे हैं, जिसमें गया है, आदि इत्यादि वो जानकारी आप बता सकते हैं। पिन वगैरह आप बिल्कुल मत बताइए क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा झांसा देके आपसे पिन वगैरह भी पूछ सकता है। तो एक तो ये नंबर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, जब आप ये बता देंगे तो ये व्यवस्था इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा, जिसमें साइबर जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम ब्यूरो है वो और जितने भी बैंकिंग पोर्टल हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक सारे बैंक्स, सारे जितने भी UPI हैं, जितने भी ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के पोर्टल हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तत्काल आपका मैसेज इन सभी बैंकिंग संस्थानों को चला जाता है, बैंकिंग एजेंसीज को चला जाता है, क्योंकि जब फ्रॉड होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बैंक अपनी फॉर्मेलिटी करता है, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, फिर वो बैंक करता है, तब जाके वो ड्यूरेशन का जो समय है उसमें अगर इनके पास मैसेज पहुंच गया तो आपका पैसा उस पूरे रूट में कहीं भी रुक जाएगा। अगर मान लीजिए एक बैंक से चल दिया है दूसरे बैंक तक जाने के लिए तो उस रूट पर रोक दिया जाएगा, आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी में रखना चाहूंगा कि इस नंबर के आने से करोड़ों रुपए वापस कराए गए हैं MHA द्वारा और साइबर पुलिस द्वारा। हेल्पलाइन नंबर 155260 के साथ इसका उपयोग 7 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में हो रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये देश की करीब 35% आबादी को कवर कर लेता है। तो इसलिए रहिए सतर्क, सावधान
अगर समस्या होती है तो तुरंत अपनी शिकायत करें। और हाँ, नंबर याद है ना आपको? नहीं तो फिर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, डायरी में, दिमाग में, मोबाइल में, सब जगह 155260। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।